नमस्कार, द लीगल इंडियन केस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक क्वेश्चन जो लगातार पूछा जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा कि क्या हम एलएलबी के साथ कोई दूसरा प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं क्या, या फिर कोई दूसरा रेगुलर कोर्स कर सकते हैं क्या। कई सारे पर्सनल मैसेजेस आपकी तरफ से आते हैं। आज मैं आपको इस मुद्दे पर जितनी भी जानकारी है उसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यदि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के चैप्टर 4 और रूल 6 में देखेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोविजन टू रजिस्टर फॉर 2 रेगुलर कोर्सेस ऑफ स्टडी। ये बार काउंसिल का रूल है, जितने भी लॉ कॉलेज हैं भारत में सब पे अप्लाई होता है। और इस रूल के कंटेंट को यदि हम देखें तो यहां पे कहा गया है कि नो स्टूडेंट शैल बी अलाउड टू साइमल्टेनियसली रजिस्टर फॉर अ लॉ डिग्री प्रोग्राम विथ एनी अदर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और सर्टिफिकेट कोर्स रन बाय द सेम और एनी अदर यूनिवर्सिटी और एन इंस्टीट्यूट फॉर एकेडमिक और प्रोफेशनल लर्निंग एक्सेप्टिंग इन द इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम ऑफ द सेम इंस्टीट्यूशन। यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि भारत में कहीं से भी आप लॉ करो फर्क नहीं पड़ता, रूल यह कहता है कि आप एक ही साथ दो कोर्सेस को परस्यू नहीं कर सकते। कैसे कोर्सेस? रेगुलर कोर्स या फिर प्रोफेशनल कोर्स। यहां पे साफ साफ मेंशन कर दिया आप नहीं कर सकते। अब यहां पे एक प्रोविजो है, एक्सेप्शंस हैं, उस एक्सेप्शंस को हम देख लेते हैं। कहता है प्रोवाइडेड दैट एनी शॉर्ट पीरियड पार्ट टाइम सर्टिफिकेट कोर्स ऑन लैंग्वेज कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ एन इंस्टीट्यूट और एनी कोर्स रन बाय अ सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग ऑफ अ यूनिवर्सिटी हाउएवर शैल बी एक्सेप्टेड। यहां पे लैंग्वेज के सर्टिफिकेट कोर्स की बात करी, कंप्यूटर एप्लीकेशन पे सर्टिफिकेट कोर्स की बात करी, या फिर डिस्टेंस लर्निंग मोड से यदि कोई आप कोर्स करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन दो रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते, दो प्रोफेशनल कोर्स आप नहीं कर सकते। कई बार स्टूडेंट का डाउट होता है कि सर डीयू में मैं कर सकता हूं क्या, मैं साथ साथ सीए कर रहा हूं। सीए एक प्रोफेशनल कोर्स है और इस रूल के अकॉर्डिंग आप डीयू में तो छोड़ दीजिए, आप किसी भी कॉलेज में लीगली नहीं कर सकते। और यदि कोई कॉलेज ऐसा कह रहा है कि आप कर लीजिए मैं करवा दूंगा, फिर भी ये रूल से आपका पीछा नहीं छूट सकता, ये सबको फॉलो करना। यदि कोई प्राइवेट कॉलेज अपने पैसे के लिए यदि कह भी रहा है तब भी ये रूल का वायलेशन होगा। यदि आपको कोई क्लेम कर दिया बाद में तो इसके लिए रिस्क आपका होगा। यदि आपको और विशेष जानकारी चाहिए, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स को आप जाकर के पूरा चेक कर सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं, वहां पे आपको ये प्रोविजन मिल जाएगा। आशा करता हूं कि जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके का और भी ऑथेंटिक लीगल जानकारी आपके डोरस्टेप तक मैं पहुंचाता रहूं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में। नमस्कार।